हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही साथ अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अभिज्ञान क्या कहना है, जो सीट प्रोजेक्शन आई है सर्वे के मुताबिक, उसको देखकर क्या कहना है आपका कि उत्तराखंड का चुनाव तो यूपी से ज्यादा दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है? मेरे मुंह की बात छीन ली रोहित, मैं कहने वाला रही कि बड़े कांटे की टक्कर है, लेकिन डिसएडवांटेज तो साफ दिख रहा है बीजेपी के लिए। अगर आप सितंबर के सितंबर के आंकड़ों से उसकी तुलना करें तो ये तो स्पष्ट है कि सीटों के हिसाब से कांग्रेस की ग्रोथ है, कांग्रेस की तरक्की है और बीजेपी नीचे आई है। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर इन तीन महीनों में क्या बदला है और किस तरह से बदला है, अजीत जी ज़्यादा बेहतर उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो लीडरलेस है वहां पर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, जिसका कंफ्यूजन है, जो हरीश रावत को लेकर स्पष्टता अपनी पोजीशन नहीं बता पा रही है, पुष्कर सिंह थामी जो एडवांटेज की पोजीशन में है, क्योंकि जो मेरा अपना आकलन है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो दो पहले वाले मुख्यमंत्रियों के हिस्से में जा चुकी, लेकिन फिर भी जिस पोजीशन पर बीजेपी थी उसको रिटेन नहीं कर पा रही है वो सितंबर से, और ये बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। वाकई ये बड़ा दिलचस्प है और एकदम आमने सामने की, और इसे क्लासिकल भाषा में कहते हैं ना, कांटे की टक्कर है ये कांग्रेस और बीजेपी की, उसमें एडवांटेज कांग्रेस का दिख रहा है। तो अजीत के पास का रुख करेंगे, अजीत क्या कहना है आपका, तो आप कांटे की टक्कर करवा दी आपने उत्तराखंड में। जी रोहित, मुझे लगता है कि इसके पीछे जो इसकी जो पृष्ठभूमि जो तैयार हुई है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय से तैयार हो गई थी, और उस समय हमने भी तमाम खबरें चलाई हैं, तमाम मीडिया हाउसेज ने खबरें की हैं कि जो सत्ता का संतुलन है मंत्रिमंडल में बहुत असंतुलित हो गया है, वहाँ के लोगों का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व बहुत कम हो गया, वहाँ के लोगों की सुनवाई बहुत कम हो रही थी। फिर दूसरी बार जब तीरथ सिंह रावत की सरकार बनी तब भी यही स्थिति रही, तो चूंकि हरीश रावत का गढ़ माना जाता है कुमाऊं, उनकी अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ उनकी अपनी पुश्तैनी सीट है जी, लोकसभा सीट, वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, उनकी कर्मभूमि वही है, और जब ये हुआ कि सत्ता की भागीदारी में कुमाऊं का पलड़ा बहुत हल्का रह गया है, तो तीरथ सिंह रावत जब बने हैं तो तीरथ के बाद जब बदलने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला, अवसर मैं क्या कहूँ इस बात को, मतलब उनकी मजबूरी रही होगी, उनको उन्होंने जब बदलने की एक प्रयास किया तो उन्होंने हरीश रावत को बैलेंस करने के लिए पुष्कर सिंह धामी को उन्हीं सजातीय मतलब एक मुख्यमंत्री लेकर के आए हरीश रावत के सामने, मतलब राजपूत बिरादरी से कुमाऊं से उनको वही चुनौती देने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि अगर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ना बनते तो कुमाऊं में हो सकता है बहुत ज्यादा स्थिति इनकी बदतर हो गई होती जी। तो मुझे यही फैक्टर एक बिल्कुल सीधा समझ में आ रहा है कि कुमाऊं ने राजनीतिक तौर पर अपने आप को पिछले 5 साल में बहुत उपेक्षित समझा। जी रोहित जी बिल्कुल, जल्दी से गढ़वाल की बात कर लेते हैं, तो क्या स्थिति है जी प्राची?